दूसरा अध्याय। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। तो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य लौटा और रण निवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बतलाए हुए प्रश्न को अति नम्रता से पूछा कि गुरु जी, अपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों के क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधिया, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाई। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महत्व को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गो, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायन और ब्रह्मा कूर्च व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया, इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से रोहिणी, सुभगा, अरुंधति, दानशीला हुई और इंद्राणी के समान रूपती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है और अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं और दूसरे पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ में स्नान करता है, वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृग जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण, भृग ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बतलाइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृग ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबर धारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभावान थी। इसकी कंदराओं में पीड़ित विद्याधरी
अपनी पतियों के साथ आकर रमण करती है और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब कलेशों को जीत लिया है रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कहीं एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव के आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस सा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हंस कुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता गृहक और अप्सरा निवास करते हैं। इति श्री दूसरा अध्याय समाप्तम।